Guys, topic is radiation. Topic is radiation. भी radiation एक mode of heat transfer था, जो मैंने बताया था, एक mode of heat transfer था जिसमें medium की जरूरत नहीं थी और एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकल रही थी. अब इसको स्टार्ट करते हैं एक मैटर ऑफ फैक्ट से. जब मैं मैटर ऑफ फैक्ट बोलूं इसका मतलब क्या है तो मेरी पूछना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दैट्स अ फैक्ट, नो क्वेश्चनिंग अलाउड. मैटर ऑफ फैक्ट ये है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स emits electromagnetic waves. What is the fact? Every body in universe emits electromagnetic waves. That is a matter of fact. मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो था जो हमने बचपन में पढ़ा था 8th क्लास में. वो स्पेक्ट्रम होता है पूरा, वेवलेंथ कम होती जा रही है और एनर्जी होती थी एच सी बाई लैम्डा. वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ती जा रही है. और यहां पे था आई थिंक रेडियो वेव्स, फिर था माइक्रोवेव्स, फिर था इंफ्रारेड, फिर था विबगेयर, फिर था अल्ट्रावायलेट, फिर था एक्स रेज और फिर था गामा रेज. याद आया? What I am saying is, everyone knows this. पक्का? तो अब मैं कह रहा हूं एवरी बॉडी इन यूनिवर्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एवरीबॉडी, आई एम एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस बोर्ड इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस बॉटल इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू आर एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव By virtue of your something temperature. ये हो गया temperature of body. By virtue of your temperature. And जो emit करते हैं, जो emit करी जाती है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं, mathematical बात. कि energy per second per unit area, energy per second per unit area emitted is proportional to temperature of body की power 4. And this should be in Kelvin. क्या बोला मैंने? Every body in universe emits EM waves. And जो energy per second per unit area emitted is proportional to temperature of body की power 4. और Kelvin में लेना है, Celsius में नहीं लेना. इसका मतलब absolute zero पे कोई भी body emit नहीं करेगी. दूसरी चीज, ये बॉडी थी, इसका टेम्परेचर था थीटा बी, तो जो ये एमिट करेगी तो एनर्जी पर सेकंड प्रोपोर्शनल हो जाती है सरफेस एरिया इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4. कभी वो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया था तो यहां पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4, दैट इज एनर्जी पर सेकंड एमिटेड. उसको प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल करूं तो यहां पे लगा दूंगा स्टीफन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, इसे बोल देते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू याद कैसे करी जाए? स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5678. यूनिट खुद सोच लेना, क्योंकि यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पर तो एनर्जी पर सेकंड था तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4. हाँ सही है. तो एनर्जी पर सेकंड एमिटेड कितनी होगी, सिग्मा ए थीटा बॉडी पावर 4. अभी भी गलत है,
भाई इसका मतलब तो ये बॉडी थी, ये लोहे की बनी होती और एक और बॉडी है वो किसी और चीज की बनी होती, से लकड़ी की बनी होती या प्लास्टिक की बनी होती, वो दोनों सेम और सेम टेम्परेचर पे होती तो सेम एमिट करती क्या? नहीं, अलग अलग एमिट करती, तो एक और क्वांटिटी भी आती है। गलत लॉ था भी, आगे एक और चीज लगा दी, इसको क्या बोल दो? एमिसिविटी ऑफ मटेरियल। ये क्या हो गया? एमिसिविटी ऑफ मटेरियल, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन नहीं है, इस ये हो गई डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और एक और चीज, ये जो एमिसिविटी है इसकी वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। 0 हो गया वर्स्ट एमिटर और 1 हो गया बेस्ट एमिटर। ये हो गया वर्स्ट एमिटर, ये हो गया बेस्ट एमिटर। इतनी देर में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि एक बॉडी, उसका टेम्परेचर थीटा, उसने एमिट किया एप्साइलन सिग्मा ए थीटा 4, दैट्स इट। और ये एमिट क्या किया? एनर्जी पर सेकंड। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। गाइज मैं तो ये समझा रहा था, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट था कि हर बॉडी एमिट करेगा और एनर्जी पर सेकेंड इज एप्साइलन सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। डन, एंड ऑफ स्टोरी। ए सरफेस एरिया, एप्साइलन एमिसिविटी, एमिसिविटी 0 1 के बीच में, 1 हो गया बेस्ट एमिटर, 0 हो गया वर्स्ट एमिटर और थीटा केल्विन में, कहानी खत्म। मैटर ऑफ फैक्ट पार्ट 1 था ये। अब मैटर ऑफ फैक्ट पार्ट 2, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज अ सराउंडिंग, देयर इज अ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा एस। तो ये बॉडी के ऊपर एनर्जी गिराएगा इंसिडेंट, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हाँ ये बॉडी के सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। तो एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट इज गिवन बाय सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। बॉडी के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बॉडी के लकड़ी होता या मेटल होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। अब इसके दो काम होंगे, कुछ तो बॉडी कर देगी रिफ्लेक्ट और कुछ कर लेगी एब्जॉर्ब। इस एनर्जी का, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट जो वो एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज गिवन बाय ए सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, और जो रिफ्लेक्ट करेगी दैट विल बी 1 - a σa टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। अब ये a क्या हो गया? अगेन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई और इसको बोल दिया एब्जॉर्प्टिविटी। कैन आई डिफाइन इट एज, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी विच गेट्स एब्जॉर्ब। यही तो हुआ कि एब्जॉर्प्टिविटी 0.6 है, तो इसका मतलब 60% एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्प्टिविटी 0.7 है तो 70% एब्जॉर्ब हो गई।
कैन आई से दिस इज बेसिकली एब्सॉर्ब्ड अपॉन इंसिडेंट. एग्जैक्टली, हाँ या ना? अगेन एब्सॉर्प्टिविटी की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 1 वाला हो गया बेस्ट एब्सॉर्बर और ये हो गया बेस्ट रिफ्लेक्टर. ये जो बेस्ट एब्सॉर्बर होता है जो 1 वाला, इसका मतलब क्या है? जितनी भी गिरी सारी खा गया. दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. इट इज अ हाइपोथेटिकल आइडिया. अ बॉडी विच एब्सॉर्ब्स एवरी इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. उसकी एब्सॉर्प्टिविटी क्या हो गई? 1 हो गई. समझ में आया या नहीं आया? तो अब तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमारे पास क्या स्टोरी थी? उसके हिसाब से हमारे पास स्टोरी थी कि बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा एस था, गिरा कितना? सिग्मा ए थीटा एस फोर. खाया कितना? ए सिग्मा ए थीटा एस फोर. फेंका कितना? 1 माइनस ए सिग्मा ए थीटा एस फोर. बार बार लिखो जैसे ये चीज याद हो जाए. अब तक सही पूछा जाए तो ये चीज पढ़ाई है मैंने. फिर एक ड्यूड आया किरचॉफ. किरचॉफ ने भी मतलब फिजिसिस्ट ने सब जगह हाथ मारे होते हैं, जाके किरचॉफ लॉ में तो मारे ही मारे, जाके रेडिएशन में भी मार दिया. किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन. किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन. भाई ज्यादा ज्यादा चीजों में ना जाते हुए सिर्फ इसका क्रक्स देखा जाए. क्रक्स ये कहता है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. Do you realize what he is saying? He is saying epsilon is same as A. Absorbers are good emitters. So, घूम फिर के मतलब technically इसने क्या बोल दिया? Emissivity is same as absorptivity. पक्का? इधर देखो board की तरफ. मैं ये कह रहा था कि जो हमने रटना था वो ये रटना था कि बॉडी का टेम्परेचर था थीटा बी, तो इसने एमिट किया एप्साइलन सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4. सराउंडिंग का टेम्परेचर था थीटा एस, इसने इंसिडेंट करा सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4. इसका कुछ पार्ट इसने खाया और कुछ रिफ्लेक्ट किया. खाया एप्साइलन सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, यही आएगा क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी सेम एज एमिसिविटी. और ये हो जाएगा 1 माइनस एप्साइलन सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4. सही है? ये मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें याद होना चाहिए. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं अच्छा ब्लैक बॉडी क्या थी जिसकी एमिसिविटी 1 हो जाए या एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो जाए, तो जितना भी इंसिडेंट हो सारे को खा जाए, सारे को खा जाए. देर इज नो सच थिंग एज ब्लैक बॉडी. देर इज नो सच थिंग एज ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी इज अ हाइपोथेटिकल आइडिया. और फिर किसी ने कहा हाँ हम ब्लैक बॉडी बनाएंगे, तो हमने कहा ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे करो. और ये जो होल है दिस बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी. क्यों? क्योंकि यहां से लाइट आई तो वो तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, तो पूरी नहीं खाएगा. लेकिन इस एरिया पे जो लाइट आई, यहां पे कुछ ट्रायंगल सा बना दो, मतलब कौन सा बना दो, सो दैट की डायरेक्टली वापस ना जाए. अब ये हो सकता है कि अंदर क्या लगा दिया तुमने, लैंप ब्लैक लगा दिया. लैंप ब्लैक कुछ ऐसा है जो 99% लाइट खा जाता है, तो वो भी ब्लैक बॉडी नहीं हुआ. लेकिन इस रिफ्लेक्शन में 99% खा गया, अगले वाले में फिर 99% खा गया, फिर अगले वाले में 99% खा गया, फिर 4-5 रिफ्लेक्शन के बाद सारी खत्म. सो दिस होल इज लाइक अ ब्लैक बॉडी. तो दिस इज हाउ योर ब्लैक बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड. कैविटी एज अ ब्लैक बॉडी. कैविटी एज अ ब्लैक बॉडी. समझ में आ गया यहां तक? और जिसकी एमिसिविटी ज्यादा है दैट्स अ गुड एमिटर एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर. दैट इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर. अब तुम सोचो जनरली डार्क कलर्स आर, जो है ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड इट्स ऑल्सो अ गुड एमिटर. तो होगा क्या? व्हाइट इज अ बेकार एब्जॉर्बर एंड बेकार एमिटर.
गाड़ी है, सफेद गाड़ी है, गर्मी में तुम छोड़ के जाओ तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी, ब्लैक वाली जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, तो काली गाड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे धूप में रख के गए तो ब्लैक कलर की कार विल गेट हॉट सूनर, क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट तो अपने टेम्परेचर से कर रहा है, उसका टेम्परेचर कम था और बाहर का टेम्परेचर उस पर जो लाइट गिरी वो जल्दी जल्दी खाने लग गया, तो ब्लैक कार बिकम मोर हॉट इन समर्स एज कंपेयर टू अ व्हाइट कार। अब जैसे मान लो शाम आ गई और मान लो बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, तो ब्लैक कार्स विल बिकम कोल्डर ऑल्सो फास्टर एज कंपेयर टू योर व्हाइट कार। ये जब तो जब वो बाहर ठंडी जगह पे ले गए गाड़ी को, तो ब्लैक वाली जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हाइट कार, एंड सिंस अवर कंट्री इज अ हॉट कंट्री जनरली, सो इट्स बेटर टू गेट अ व्हाइट कार रादर देन अ ब्लैक कार। अबे गर्मियों में उबल जाओगे उस काली गाड़ी के अंदर, समझ में आ रहा है? और आजकल तो एक नया फैशन चला है, छत को काला कर दो, मतलब काम दान हम अच्छी खासी सफेद गाड़ी है उस पर छत काली कर दो तो अच्छे से मतलब गर्म हो, सर के ऊपर गर्मी पड़े। अब मैं मैथ वाले पार्ट पे आ गया, ये जो मैंने कहानी बताई ना ध्यान रखना, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन स्कूल वाले पूछ लेते हैं कि गाड़ी जो ब्लैक बॉडी है वो क्या होगी। मैंने कहा जब जब गर्म होने की बात आएगी तो जल्दी जल्दी गर्म भी होगी, और जब ठंडी होने की बात आएगी तो जल्दी जल्दी ठंडी भी होगी एज कम्पेयर टू अ व्हाइट बॉडी। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैथ के ऊपर आ जाते हैं। हमने कहा सपोज बॉडी का मास है m और स्पेसिफिक हीट है s और टेम्परेचर है थीटा नॉट एट टाइम t इक्वल टू जीरो, सही है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा s और बॉडी का टेम्परेचर थीटा नॉट ग्रेटर देन थीटा s है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि किस रेट से ये एनर्जी फेंक रहा होगा? एप्साइलन सिग्मा a थीटा नॉट की पावर 4 इस इंस्टेंट पे, और किस रेट से एनर्जी खा रहा होगा ये? एप्साइलन सिग्मा ए थीटा सराउंडिंग की पावर 4। क्या मैं कह सकता हूं एच नेट कितना हो जाएगा? एप्साइलन सिग्मा ए थीटा की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4 इस इंस्टेंट पे। दैट मेक्स सेंस और नॉट? दिस इज नेट हीट, नेट एनर्जी लॉस्ट, दिस इज एक्चुअली एमिटेड माइनस एब्जॉर्ब्ड। अब ये चीज टाइम के साथ वेरिएबल आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता जाएगा ना, क्योंकि अगर ये थीटा नॉट बड़ा था थीटा एस से तो ये नेट हीट लॉस कर रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थीटा। उस इंस्टेंट पे एच नेट क्या हो जाएगा? एप्साइलन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4। अब यहां पर एचनेट को क्या लिख सकता हूं? दिस इज डी क्यू बाई डी टी, एनर्जी पर सेकेंड जो लॉस कर रहा है बॉडी, दैट शुड बी इक्वल टू एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बहुत बार तो वो क्वेश्चनों में क्या पूछ लेता है, डी क्यू बाई डी टी बता दो, इसको तो वो क्या बोलेगा, रेट ऑफ हीट लॉस, बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस, वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4। और कई बार वो पूछ लेता है क्वेश्चंस में व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ये चीज हो गई, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है किस रेट से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। और माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से बड़ा माना है तो ठंडा होता जा रहा है, सही है कि नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं माइनस डी थीटा बाई डी टी इज एप्साइलन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 बाई एम एस। बड़ा क्वेश्चन समझ में आया है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन टाइम वाला क्वेश्चन बन गया, कि किसी टाइम टी जीरो पे बॉडी का टेम्परेचर थीटा नॉट था, टाइम टी पे कितना हो गया? तो हम क्या कहेंगे, माइनस डी थीटा अपॉन थीटा की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4 इज एप्साइलन सिग्मा ए बाय एम एस इंटू डी टी। टाइम टी जीरो पे बॉडी का टेम्परेचर था थीटा नॉट,
और टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर हो गया थीटा। ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया? फाइंड बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताऊं क्या थी? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था थीटा नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, इसका मास एम था, स्पेसिफिक हीट एस थी, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा एस था और थीटा नॉट ग्रेटर देन थीटा एस था, तो फाइंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। एम आई राइट? तो कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें एच नेट निकाल लिया, एप्सिलॉन सिग्मा है, थीटा थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग फॉर किसी इंस्टेंट पे, दैट शुड बी इक्वल टू एमएस माइनस डी थीटा बाय डीटी एट दैट इंस्टेंट। एम आई राइट? ये मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो पा रहा, तुम्हें लग रहा है हो रहा है, क्योंकि ये तो इस टाइप का इंटीग्रल बन गया डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, ये तुमसे इंटीग्रेट नहीं होएगा। तो इस पे जनरली क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले नहीं बन पाते, जनरली वो सिर्फ यहीं तक पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? रेट ऑफ हीट लॉस बता दो या रेट ऑफ कूलिंग बता दो, वो टाइम टी तक नहीं पहुंचते। एक दो बार पहुंचे भी हैं, कैसे पहुंचे हैं? शैतानी कर दी क्वेश्चन वाले ने कि भाई आई थिंक बहुत पहले आया था जेई में, उन्होंने कहा कि सराउंडिंग को एब्सोल्यूट जीरो पे ले लो, अब इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि तुमने सराउंडिंग को एब्सोल्यूट जीरो पे ले लिया तो थीटा इज जीरो हो गया, तो ये सीधा बन जाएगा माइनस ऑफ थीटा की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, लिमिट डाल दी थीटा नॉट से थीटा, इज इक्वल टू एप्साइलन सिग्मा ए टी बाय एमएस। उसमें फिर टाइम पूछा था कि थीटा नॉट से थीटा नॉट बाय 2 जाने में कितना टाइम लग गया, तो भी फाइनल टेम्परेचर ले लेना थीटा नॉट बाय 2। एक बार और भी आया है, वो मैं कराना नहीं चाहता, उसमें मजे लिए थे, उसमें उन्होंने कह दिया जो स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी थी एस, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था तो यहां पर क्या लिख दोगे? एस एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये थीटा का फंक्शन यहां पर कहीं आ जाएगा, तो फिर वो ऐसा फंक्शन बन गया था जो सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब तुम इसको इग्नोर करने वाले थे ना कि सर ने कहा कि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, यार दो बार बनाए भी है उन्होंने, तो बनाने वाला चाहे तो बना सकता है, तो तुम्हें फंडा समझ में आना चाहिए कि ओके यहां के बाद मैं आगे का सॉल्व नहीं कर रहा कुछ। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर देखो, मैं ये कह रहा था एम एस माइनस डी थीटा बाय डी टी माइनस डी थीटा बाय टी डी टी इज एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4। ये किसी इंस्टेंट पे मैंने लगाया है, क्या? स्टीफन्स लॉ, दिस इज योर स्टीफन्स लॉ। और इससे एक क्वेश्चन तो क्या बन रहा था? बॉडी का टेम्परेचर निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसमें तुमने कह दिया था डी थीटा अपॉन थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 इज एप्सिलॉन सिग्मा ए बाय एम एस इनटू डीटी टाइम टी जीरो पे बॉडी का टेम्परेचर थीटा नॉट टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर थीटा। मैंने कहा था जनरली ये इंटीग्रेट नहीं होगा, जनरली ये इंटीग्रेट नहीं होगा, तो यहां पर छोड़ दोगे। फिर न्यूटन, ये तो था स्टीफन लॉ, दिस वाज स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग से इंटीग्रेट करना था मुश्किल। फिर न्यूटन आ गया, उसने कहा भाई डूड आई एम द गॉड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसने इसी के लॉ को लिया, उसने कहा थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 दिक्कत कर रहा है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसे, थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4। उसने कहा एक काम करो, बॉडी का टेम्परेचर को लिख दो, बॉडी के टेम्परेचर को लिख दो सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस डेल्टा थीटा, जैसे बॉडी का और जैसे कुछ केल्विन में चल रहा था अभी, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें थी? केल्विन में। उसने कहा देखो ऐसा है, सराउंडिंग का था मान लो 50 और बॉडी का था 80, तो इसको लिख दो 50 प्लस 30, ऐसे लिख दो। अब यहां पर आ जाओ, इसको लिख दो थीटा सराउंडिंग प्लस
डेल्टा थीटा की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4 लिख सकता हूं। इसने का अब इसके अंदर लगा दो मैथ, क्या मैथ लगा दो, थीटा सराउंडिंग को ले लो कॉमन, तो थीटा सराउंडिंग 4 1 प्लस डेल्टा थीटा अपॉन थीटा सराउंडिंग की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4। उसने कहा अब ये सोचो अगर होता क्या होता, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा सराउंडिंग वेरी वेरी लेस देन 1। कि बॉडी और सराउंडिंग के अंदर डिफरेंस अपॉन सराउंडिंग इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहां पर लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिर्फ दो टर्म रख लो, ठीक है। तो इसको लिख दो थीटा सराउंडिंग की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा थीटा अपॉन थीटा सराउंडिंग माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4, ये कट गया, तो ये बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी 4 4 थीटा सराउंडिंग क्यूब इनटू डेल्टा थीटा, सही है, सही है। अब एंड में जाके डेल्टा थीटा को क्या लिख सकता हूं बालक, ओए व्हाट वाज डेल्टा थीटा, बॉडी माइनस सराउंडिंग, तो इसको लिख दिया 4 थीटा सराउंडिंग क्यूब थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। फिर कहता है अब जाओ और इस लॉ के अंदर घुस जाओ, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा, एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी, एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी इज एप्साइलन सिग्मा ए 4 थीटा एस क्यूब, 4 थीटा एस क्यूब इंटू थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। लग गया डर की, भैया खतरनाक सी एक्सप्रेशन आई है, समझ में आया या नहीं आया। अब कई बार क्वेश्चन में तो वो मजे ले सकता है, वो ये कहेगा कि अगर बॉडी के और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट लॉस, कैन आई डायरेक्टली से दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग डिवाइडेड बाय एमएसवी आएगा। कई बार रेशियोज पूछ लेता है कि ये बॉडी थी उसका रेट ऑफ कूलिंग कितना हो गया, इस बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। क्या मैं ये कह सकता हूं माइनस डी थीटा बाई डी टी इज के थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, बाय द वे ये के क्या हो गया, दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, ऐसी किताबों के अंदर न्यूटन लॉ को स्टेट किया जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को कैसे स्टेट करते हैं कि किसी इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर थीटा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा सराउंडिंग है, तो किस रेट से वो ठंडा होएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, क्या बोला जाएगा, व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, समझ में आया। ऐसे 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 क्या बोलते हैं, स्टेट कर देते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को, द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है यहां तक। और अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि एक बार मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी पूछ ली, कुछ कुछ उठपटांग देके, पहले के निकाला और के अंदर ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या चीज थी, थर्मल कैपेसिटी, एमएस वाज थर्मल कैपेसिटी, इफ यू रिमेंबर इन कैलोरीमेट्री हमने किया था। तो जाके क्या किया, के अंदर महाभारत करवाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी थीटा बाई डी टी इज के थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, इससे बहुत फायदा हो गया, अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, वो पावर 4 वाला तो इंटीग्रेट नहीं होना था, अब हो जाएगा, लॉग में आएगा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या लिखोगे, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग इज माइनस के डी टी, टाइम टी इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर हो गया थीटा 1 और टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर हो गया थीटा 2।
क्या हो जाएगा ln थीटा 2 माइनस थीटा सराउंडिंग अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा सराउंडिंग, लिमिट्स भी डाल दी मैंने, इज माइनस के टी। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 था, तो टेम्परेचर एट टाइम टी कितना हो गया थीटा 2, तो थीटा 2 एज अ फंक्शन ऑफ टी हो गया ना, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वो कितना हो जाएगा थीटा एस प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा एस ई टू द पावर माइनस के टी। आर्काइव में देखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी मिलेगा, फाइंड बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, सही है। और ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, ये किसके लिए एक्सप्रेशन है कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 था, टाइम टी पे कितना हो गया थीटा 2, तो ln थीटा 2 माइनस थीटा एस अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा एस इज माइनस के टी। ये किससे किसको यूज करके निकाला, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए, बॉडी माइनस सराउंडिंग अपॉन सराउंडिंग शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो, इसका ग्राफ देखा जाए तो इनफिनिटी पे जाके सराउंडिंग टेम्परेचर आता है, नहीं समझे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ बनाया जाए तो हम कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर तो हो गया थीटा 1 और इनफिनिटी पे जाके कितना हो जाएगा थीटा एस, ऐसे एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो इसका मतलब सराउंडिंग तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी चीज जो यहां पर रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग क्या चीज है, इधर देखो, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। भाई ये बता दो, ये d थीटा बाय dt क्या चीज होती है, कैन आई से दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, तो इस इंस्टेंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, थीटा 1 माइनस थीटा s के। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, कैन आई से दैट विल बी tan phi 1, tan phi 1 शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा 1 माइनस थीटा सराउंडिंग, एम आई राइट। थोड़ी देर बाद जब वो यहां पहुंच गया टेम्परेचर, तो हम ये कहेंगे बॉडी का टेम्परेचर ये हो गया। इस इंस्टेंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जानी चाहिए, tan phi 2। सो जहां पर tan phi 2 शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस बॉडी टेम्परेचर माइनस थीटा सराउंडिंग। ये बात समझ में आई या नहीं आई, भाई यही तो कह रहा है ये जो हमने निकाला, हमने थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल दिया, तो वो ये कह रहा है कि भाई थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, इनफिनिटी पे सराउंडिंग वाला टेम्परेचर आ जाएगा। दूसरी चीज वो कह रहा है कि हर इंस्टेंट पे रेट ऑफ कूलिंग दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट डी थीटा बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस इंस्टेंट का बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का। तो इनिशियली ये जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ज्यादा है, बाद में कम होता जाएगा क्योंकि दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, पहले जल्दी ठंडा होगा बाद में धीरे धीरे ठंडा होगा। इस ग्राफ को देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इंफिनिटी पे कहां पहुंच रहा है सराउंडिंग का टेम्परेचर, इंफिनिटी पे कहां पहुंच रहा है सराउंडिंग का, ये हो गया थीटा इनिशियल और एक्सपोनेंशियली पहुंच रहा है। बेटा समझ में आई बात या नहीं आई, अगर मैं ये कहूं कि पहले कुछ इतने टाइम में टेम्परेचर कुछ गिर गया इस बॉडी का इतना, तो सेम टाइम में अगले उतने ही टाइम में कम गिरेगा, फील आई, गिरना भी चाहिए यार, रेट ऑफ कूलिंग भी तो कम हो गया उतनी ही टाइम इंटर। या ये कहो कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पहले ठंडा हुआ कुछ 10 मिनट में,
तो अगले 10 मिनट में 10 नीचे नहीं जाएगा और कम जाएगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कम होता जा रहा है. जितना बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा ज्यादा बड़ा है उतना जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, जितना पास आता जा रहा है उतना धीरे धीरे ठंडा हो रहा है. गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. सपोज करो ये बॉडी है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था 60 और 60 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर गया 50 इन 10 सेकेंड्स. सराउंडिंग का टेम्परेचर था 30. अब 50 से कितना जाएगा इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स? सराउंडिंग का 30. कुछ समझ में आया? क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमने कहा भाई माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग. ये आ गया. वैसे मेरे को इसका आंसर ही याद है, इज माइनस के डी टी कर दो, नेगेटिव साइन इधर ले आओ. इंटीग्रेटिंग थीटा वन से गया थीटा टू, जीरो से टाइम टी में, ये बन जाएगा एल एन थीटा टू माइनस थीटा सराउंडिंग अपॉन थीटा वन माइनस थीटा सराउंडिंग इज माइनस के टी. हो गया. ये एक्सप्रेशन याद भी रख सकते हैं वैसे तो, मतलब कितनी देर लगती है निकालने में. उसके बाद एल एन 50 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 30 शुड बी माइनस के इंटू 10. एल एन थीटा माइनस 30 अपॉन 50 माइनस 30 इज माइनस के इंटू 10. आई थिंक पहले एक्सप्रेशन से के निकाला, दूसरे वाले में डाला थीटा निकल जाएगा. वो तो मैंने वैल्यू अच्छी ले ली, अगले 10 सेकंड बोला, 10 सेकंड की जगह अगले 15 सेकंड में भी पूछ सकता था. तो यहां पे 10 हो जाएगा, यहां पर 15 हो जाएगा. पहले से के निकालो, दूसरे से के एलिमिनेट कर दो और फिर थीटा निकाल लो. कितना आ गया? थीटा माइनस 30 अपॉन 20 इज 20 बाय 30. थोड़ा जल्दी तो नहीं सॉल्व कर दिया? थीटा इज 40 बाय 3 प्लस 30, 13.33 प्लस 30 दैट इज 43.33. तुमने नोटिस भी किया पहले 10 सेकंड में 10 डिग्री गिर गया, अगले 10 सेकंड में 6 पॉइंट समथिंग गिरा है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो गया, रेट ऑफ कूलिंग कम हो गया. गॉट इट और नॉट? किसी ने पूछा नहीं कूलिंग इवन वैलिड, इज इट इवन वैलिड इन दिस केस? कंडीशन वॉज बॉडी माइनस सराउंडिंग अपॉन सराउंडिंग शुड हैव बीन वेरी वेरी लेस देन 1. इस इंस्टेंट पे तुम लगा रहे हो, इसके यहां पर यहां से 60 से 50 जाते हो, हर इंस्टेंट पे लगा रहे हो. 60 वाले इंस्टेंट पे तो क्या हो गया यार? वैलिड था बॉडी माइनस सराउंडिंग अपॉन सराउंडिंग टेक्निकली 1. इज इट इवन वैलिड? दिस इज हाउ द ब्लंडर हैपेंस. ओके, अब क्या करें? एक्चुअली वैलिड था, बताओ क्यों? केल्विन में लेना था. इट शुड हैव बीन 60 माइनस 30 अपॉन 30 प्लस 273. अब तुम कहोगे यहां पर आपने सेल्सियस डाल दिया, अरे यार डिफरेंस ले रहे हैं, केल्विन में लो या सेल्सियस में लो, बात तो एक ही रहेगी. समझ में आया नहीं आया? अरे भाई इसका भाई बंधु क्वेश्चन कैसे बनेगा? 60 से गया 50,
साठ से गया 50 इन 10 सेकंड, 50 से गया 40 इन टाइम टी, और टी निकालो, तुम्हें रियलाइज हुआ टी की वैल्यू 10 से ज्यादा आएगी। अब यहां पे क्या करेंगे, पहले लगाएंगे तो हो जाएगा एल एन 50 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 30 इज माइनस के 10, बाद में हो जाएगा एल एन 40 माइनस 30 अपॉन 50 माइनस 30 इज माइनस के टी, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 10 बाई टी, 10 बाई टी इज एल एन 2 बाई 3 अपॉन एल एन 1 बाई 2, तो टी हो जाएगा 10 एल एन 1 बाई 2 अपॉन एल एन 3 बाई 2 सॉरी 2 बाई 3। अब क्या करें, ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा सा हो रहा है, तो हम बताएं यहां पर नेगेटिव साइन लगा दो, यहां पर भी नेगेटिव साइन लगा दो, इसको फ्लिप कर दूं तो ये आ जाएगा 10 एल एन 2 अपॉन एल एन 3 बाई 2, बेस 10 कर दूं, क्योंकि दोनों का बेस चेंज कर दो, बेस ई से बेस 10 कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा कट भी जाएगा, तो टी आ जाएगा 10 log 2 कितना होता है 0.3010 इज द बेस 10, log 3 0.477 माइनस 0.3010 सेकंड 17 सेकंड मोर और लेस। गाइस ये बात समझ में आई या नहीं आई कि भाई पहला 10 सेकंड में तो 10 गिरा और अगला 10 देखो कितने में गिरा, 17 सेकंड में गिरा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आज के लिए आई थिंक इसका भी एक अप्रोक्सीमेशन का भी अप्रोक्सीमेशन होता है, पता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का भी अप्रोक्सीमेशन। गाइस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था d theta by dt rate of cooling is proportional to body temperature minus surrounding temperature, और literally उसके बाद ये खुद में एक approximation था स्टीफन लॉ का, और exponentially गिरता था, ये बात समझ में आ गई। फिर किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, उसने कहा देखो ऐसा है अगर छोटा सा पार्ट ले लें अगर इसका exponentially गिरने का तो उसको स्ट्रेट लाइन मान लेना, हद कर दी। और रेट ऑफ कूलिंग ये क्या था, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को लिख दो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, वो ये क्या कर दिया, अरे डी थीटा बाय डीटी तो इस पूरे पे हर जगह इंस्टेंट पे अलग अलग नहीं आएगा, उसने कहा छोटे से पार्ट पे तो स्ट्रेट लाइन मान लो, छोटे से पार्ट पे क्या मान लो स्ट्रेट लाइन, तो इसको लिख दो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और इसको लिख दो के। मैंने कहा अब ये तो बताओ ये बॉडी का टेम्परेचर कौन सा लोगे, इनिशियल लोगे फाइनल लोगे, क्योंकि ये तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा था, इसको लिख दो थीटा एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग, एवरेज क्या हो गया इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू, इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू। अब जरा सोचने का प्रयास करो, इस पे दोबारा लगा के देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं अगले वाला करते हैं, अगला कौन सा कर रहे थे 40 यही क्वेश्चन किया था ना, इसमें टी कितना आया था 17 के आसपास आया था ना, हमने इस पे ये लगाया, ये क्या है अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें क्या कहा, बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा थीटा क्या हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कितना गिरा 10, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 10 अपॉन डेल्टा टी, कितना हो गया बच्चों टी इज इक्वल टू के, थीटा एवरेज कितना हो गया 55 कैसे हुआ, अरे बॉडी का इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू माइनस 30। अब दोबारा लगाते हैं, ये आ गया माइनस ऑफ माइनस 10 बाय सॉरी यहां पे टी 10 था, यहां पे टी 10 था, यहां पे टी टी था, इसके एवरेज कितना हो गया 45 माइनस 30,
सोच के देखो जरा, ये मैंने अप्रोक्सीमेटेड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इस पे लगाया, डेल्टा थीटा बाय माइनस ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये तो हो गया बॉडी का टेम्परेचर अपॉन टाइम, इसके थीटा एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग, थीटा एवरेज हो गया इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू, सही है, कितना आ रहा है, टी बाय टेन इज 25/15, दैट्स 50/3, दैट्स 3/6, 16.6, अब ये मत करने की तो अलग आ रहा है, अलग तो आना ही है, अलग तो आना ही है, got it or not? ठीक है, लेकिन बता दूं मैं, ये एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसे किया हुआ है। अब तुम जनरली क्या करना, अगर वैल्यूज में देखना, अगर उसने आंसर लॉग फॉग में दिया हुआ है, एलन वेलन में दिया हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, और जनरली वो वैल्यूज के टर्म्स में दे रहा है तो जनरली ऐसे कर रहा है। हालांकि ये वाला मेथड गलत है, बेटर लॉग वाला है, ये वाला कहां पे लगना चाहिए मैं बताऊं, ये कितने, ये छोटे इंटरवल पे लगना चाहिए, ये छोटे इंटरवल पे तो तुम इस कर्व को स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, मतलब ये ऐसे पे लगना चाहिए, 60 टू 50 वाले पे नहीं लगना चाहिए, ये ऐसे लगना चाहिए 60.1 से 59.9 तक गया, इंटरवल इतना छोटा लिया, उस पे दिस मेथड वुड बी बेटर, क्योंकि बहुत छोटे से पार्ट पे तुम कर्व की जगह क्या मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, तो ये यहां पे तो लगना ही नहीं चाहिए था, ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने किया। इनफैक्ट जब एक बार पहले प्रीवियस ईयर जेई में क्वेश्चन आया हुआ इस चीज पे, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ वैल्यू ली हुई थी कि 59.9 60.1 से 59.9 गया इन एक मिनट, यू आर गेटिंग द पॉइंट, तो ये टेम्परेचर का गिरना बहुत छोटा माना, सो दैट कि उसको क्या मान ले, स्ट्रेट लाइन मान ले, वहां पे लगाया ये चीज, this is like approximation of Newton's law.